Assalamu alaikum friends and welcome back to my channel That Page of Diary. I hope you guys are doing good. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सूप की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ. जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदा करेगी और वन बॉल सूप होगा. इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, तो देखते रहिए. चीज़ें रिक्वायर्ड है वो ये आपके सामने हैं. बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत कम वक्त में तैयार होने वाला बहुत अच्छा सूप है. चले जी अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ऑन कर लेंगे और चूल्हे के ऊपर हम देखे रखेंगे और इस देखे में हम डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा ऑलिव ऑयल. तो ज़्यादा हो गया है और अब इस ऑलिव ऑयल में मैं डाल दूँगी अपना चिकन. ठीक है, और इसमें ये मैं अपना लहसुन पाउडर डाल दूँगी. इसको थोड़ा सा पकाना चाहती हूँ ताकि जो चिकन का एक कच्चापन है जो लहसुन और अदरक मैंने सीधा सीधा काटा था ये डाल दूँगी. ठीक है, और ये एक लीमू है इसको मैं इसके अंदर स्क्वीज कर दूँगी. ठीक है, और अब ये जो है ये स्टॉक थी, बीफ स्टॉक है. ठीक है, फ्रीज थी इसलिए इसकी ऐसी शक्ल है. इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और बस अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी. अब ये पकता रहेगा और थोड़ी देर बाद इसको हम चेक कर लेंगे. ये देखें जी, इट इज़ नियरली रेडी. इसको बॉयल आ गया था. ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा ऊंचा कर देती हूँ और ये तकरीबन आई हैव रिड्यूस्ड इट टू वन बोल सूप बिकॉज मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो बस वन बोल तक ही है. ठीक है, और इसमें मैंने बीफ स्टॉक डाला था इसीलिए इधर आपको नज़र आ रहा हो ये इसकी जो साइज़ हैं वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुई हुई है. अगर सिर्फ चिकन रखें तो फिर ऐसे नहीं होता है. नाउ आई हैड नॉट एडेड सॉल्ट इन इट, तो ये मेरा सॉल्ट चला गया. ठीक है, ब्लैक पेपर इसमें टोटल आपकी अपनी चॉइस है आप डालें या नहीं डालें. जो ये हमने ग्रीन चिलीज डाले थे और ये जो जिंजर डाला था इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आता है वो. और ब्लैक पेपर मैं सिर्फ थोड़ा सा डालूँगी, लाइक सिर्फ अ पिंच और मे बी इवन लेसर देन दैट. दैट्स इट. आई लाइक द ओरिजिनल फ्लेवर ऑफ ग्रीन चिलीज और जिंजर का जो है बस. और जी ये मेरा स्टॉक जो है बिल्कुल रेडी हो गया. अब मैं इसको सर्व कर लूँगी और सर्व करते हुए मैं एक और चीज़ का ऐड करूँगी कि सर्व करते हुए मैं इसमें जो मेरा बाकी आधा का लीमू था वो भी डाल दूँगी. If you like this Thai soup recipe, then hit the thumbs up button and don't forget to subscribe my channel. Kal phir milenge ek aur new exciting recipe ke saath. Mujhe apni duaon mein yaad rakhiyega. Allah Hafiz.